बार क्या लग रहा है आपको, वोट पड़ेंगे कौन जीतेगा? वोट पड़ेंगे इसको, मगर काम तो अधूरा रखना तो रखता है, काम तो रखता है अधूरा अधूरा रखता है। यहाँ तो क्या अधूरा रखा, कोई पावर नहीं है हमारे पास। अगर पावर का काम करेगा तो बिल्कुल इसको वोट पड़ेंगे इसको। अच्छा अच्छा, तो जो आप वोट डालोगे? हैं? हाँ वोट डालेंगे, वोट क्यों नहीं डालेंगे इसको। यहाँ जो है पीडीपी वर्कर ही हैं सारे या फिर कांग्रेस और नेशनल ने हमारे साथ कुछ नहीं किया आज तक। अच्छा अच्छा, इसने कुछ किया? पीडीपी ने किया जब भी ये यहाँ आए, मगर उसने कुछ थोड़ा बहुत दिखाया। क्या मुद्दा सबसे बड़ा है आपका? बस पावर जो आखिर बिजली और 370 हटाओ। अच्छा हाँ, ये दो बड़े मुद्दे हैं। तो आप एक साइड से बोलते हैं कि तरक्याती काम जो है होने तरक्याती काम होनी चाहिए। आप बताइए आपका नाम क्या है? मोहम्मद कासिम। क्या लग रहा है आपको अभी, इधर वोट कितने पड़ेंगे अच्छे से वोट? कश्मीरी में बोलो मैं जवाब दूंगा। महबूब जी ये अस्कोर पातकुन देखो ना, इस मुखराइज तरक्की गई थी प्रतकुन तरव चाहे तालीमी लिहाज डेवलपमेंट गई, मतलब ये वारिया काम गई तो यह हको ना मुशरत किया। मुद क्या महबूब जी ये वन बोड़ बार बंद ये मतलब 370 लकन मज बेकारी जबरदस्त बेकारी लकन मज बस चलान सटैंड में क्या कर क्या वन सुप्रीम कोर्टन मकलो तो कस वा टाड बहान सू कस अन 370 गया हाँ वो तो गयो अब कहा से आएगा वापस। ये वोट लेके देखो मैं बताऊंगा, ये वोट लेके हमको नजर नहीं आते है 5 साल फिर। हसनैन मसूदी को हमने वोट डाले कहाँ था? अब आप इन्होंने लाया है उधर से पता नहीं वो लार कंगन से और कोई क्या करेंगे तो वोट मांगते उसके बाद गायब हो जाते और क्या। 5 साल हमने उसको हसनैन मसूदी को वोट डाले कहाँ था 5 साल? वो कहीं नहीं था। अब नया चेहरा लाया है उधर कंगन से लाया है पता नहीं कौन है वो। अच्छा। कोई पीर लाया है बड़े मसले क्या आपके जिस वजह से वोट डाले? कुछ मसला ही नहीं है हमारा क्या है, हम 10.5 फीस देते हैं, 1 घंटा पावर रहता है 24 घंटे में, कुछ नहीं है काट डाली है सब कुछ बस इधर बेरोजगारी ये सब झूठ बोलते हैं कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं देता है अपने घर के लिए सब करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कम से कम बिजली पानी ये भी नहीं है सब कुछ, बिजली हमारी कुछ नहीं है, बिजली कुछ नहीं है, है ही नहीं, सिर्फ 10.5 फीस दे। हमें कोई फायदा नहीं है, खाली हमें फीस देना है, हमें 24 घंटे में हम खाली 1 घंटे को पावर देखता है बस, हमें कोई फायदा नहीं है, हमें किसी सरकार की जरूरत नहीं है, हमें बहुत तंग आ गई है। तो आप बोलते वोट डालते हैं वो बोलते हैं ये करेंगे, वोट डालने की तो वो अलग बात है, जिसको हम वोट डालते हैं वो फिर हम इसको दोबारा नहीं देखता है, दोबारा नहीं आता है, तो इस बार हम पर जुल्म डालेंगे सोचेंगे। अब देखो किसकी बारी है, वो देखेंगे। उम्मीद ही नहीं है कि हम अगर किसी मुद्दे पर वोट डालेंगे, मसलन हमारा ग्रास रूट लेवल पर जो मामला है वो पावर का सिस्टम है डिफंग है, यहाँ पर तैलीमी अदारे जो हैं अच्छे उस्ताद नहीं मिलते हैं, जो भी लोकलिटी के उस्ताद हैं उनको यहाँ से उठाकर दूर भिजवाया जाता है, डॉक्टर नहीं है इतने फार फ्लंग एरिया में, हमारे जो बीमार होते हैं उनको शांगस तक जो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है वहां पर भी ले जाके हमें वहां एक्सरे नहीं मिलता है, यहाँ की बात ही नहीं है। तो पावर जो है 1 घंटा चोरी छुपे आता है दिन भर, 1 घंटा चोरी छुपे वो 5-5, 6-6 मिनट बस, लेकिन 1040 रुपया 1300 रुपया 1500 रुपया पर मंथ हमें देना पड़ता है, लिहाजा हमें कुछ तवक्का ही नहीं इन चोरों का। अभी तो फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार, आपको लगता है वोट देके अगर असेंबली बाद में इलेक्शन होते हैं तो हालात असेंबली, हाँ जब असेंबली आएगी मर्जी वजूद में आएगी तो हमें इंशाल्लाह तवक्कात हैं
100% जरूरी है, असेंबली हमें जरूरी है। आप समझिए, मुझे ये नहीं पता है कि आप साहब कहाँ से आए। अगर यहाँ पर कोई कंसर्न एमएलए होता है तो हम यहाँ से जाकर के खानापाल भी पहुंच सकते हैं। श्रीनगर हमारी पहुंची नहीं है, श्रीनगर से लेकर जम्मू तक हमारी पहुंची नहीं है। हाँ, इलेक्शन असेंबली इलेक्शन, बस असेंबली इलेक्शन। कम से कम अगर छोटी छोटी छोटे छोटे मसले तो हाल होते ही हैं। बेरोजगारी का मामला है यहाँ पर, अब कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नील एट बॉटम, नील एट बॉटम, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। ये तो सारे छोटे छोटे मामले हैं, चाहे बिजली है, पानी है, सब कुछ मिल जाएगा। मगर हमारे आज का जो मकसद हमारा है जम्मू कश्मीर के लोगों का, असल मकसद होना चाहिए हमारी शिनाख्त बचनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की जो शिनाख्त है 370 को लेकर, चाहे वो हमारी इज्जत थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि हमने वो खत्म किया, मगर अभी तक ये हमारे लिए नाइंसाफी है। आपको लगता है कि कोई वापस ला सकता है उसको? हाँ, ला सकता है, क्यों नहीं। अगर यहाँ असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे, मगर असेंबली इलेक्शन से पहले हमारे लिए जरूरी बनता है कि स्टेट हमें मिलनी चाहिए, यानी कि यूनियन टेरिटरी को खत्म किया जाए और हमें स्टेटहुड पहले मिलनी चाहिए। यानी कि अस्पताल का मामला, बिजली का मामला और पानी का मामला, ये तो मामूली सी चीज है, ये सब कुछ मिल जाएगा, मगर पहले हमें अपनी शिनाख्त मिलनी चाहिए, यानी कि हमें जम्मू कश्मीर की स्टेट मिलनी चाहिए, हमें यहाँ रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। और इस रियासत का दर्जा, रियासत को दर्जा वापस देने के लिए हमें इस वक्त पार्लियामेंट जो इलेक्शन है, इस वक्त हमें वोट डालने चाहिए। और इन वोटों का मकसद होना चाहिए, जो हमारी रिप्रेजेंटेशन करेगा वहाँ पार्लियामेंट में, उसका मकसद होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की शिनाख्त को बचाना जरूरी है। बाकी सब कुछ मिल जाएगा, मगर शिनाख्त हमारी 370 मिलनी चाहिए और रियासत का दर्जा वापस बहाल होना चाहिए, बस हमारे। हमने बात की जिसको आप ट्रू डेमोक्रेसी कहेंगे, हर एक बंदे के अलग अलग ख्याल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, बिजली जो है 24 में से एक घंटा आती है, और वो हम भी जानते हैं क्योंकि ये यहाँ की शिकायत नहीं, जहां भी हम गए वहां बिजली की जो है शिकायत जरूर आती है। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि 370 वापस आए, उनके लिए वो आइडेंटिटी क्राइसिस जो बना है वो खत्म होना चाहिए। वहीं कुछ और लोग हैं जो इस सरकार से अभी काफी नाखुश हैं, चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शन हो, लोकसभा से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए असेंबली इलेक्शंस हैं, क्योंकि उनकी एक्सेस जो है इतने आगे तक नहीं है, उनकी एक्सेस उनके लोकल लीडर तक है, उनके लोकल एमएलए तक है। और आज अगर बिजली का मसला है, आज अगर सड़क का, पानी का मसला है, तो कोई ऐसा उनके पास ऑफिस नहीं है जहां वो जा सकते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी से तंग आ चुके हैं, उधर उनकी सुनवाई नहीं है, तो चाहते हैं कि यहाँ असेंबली इलेक्शन हो। तो ये बात हमें हर जगह सुनने को मिली, जहां भी हम दक्षिणी कश्मीर गए या सेंट्रल कश्मीर, जहां भी गए, लोग चाहते हैं कि असेंबली इलेक्शंस हो, यहाँ की असेंबली बने, उनका रिप्रेजेंटेटिव आए और उनकी जो मसले हैं, जो उनकी शिकायतें हैं, उसका जो है बेटर एक आंसर मिलने की जो है उनकी उम्मीद बंधे। तो बिजली और उसके साथ साथ 370, कई लोग हैं कहते हैं कि 370 जो है अब एक पॉलिटिकल इश्यू बन गया है, वोट बटोरने की बात है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये वापस जो है आने वाला नहीं है, 35 वापस आने वाला नहीं है। तो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस हमें यहां मिली, और लोग जो है कश्मीर के, खासकर दक्षिणी कश्मीर के, काफी पॉलिटिकली अवेयर हैं, उनको पता है कि कोई जो पॉलिटिशियन अगर बात करता है तो किस नीयत से वो बात करता है, और वो क्या बात सही है, क्या वो हो सकती है। और यहां हालांकि आज पीडीपी का जो है रोड शो था महबूबा मुफ्ती का, लेकिन लोग जो हैं चाहते हैं कि बियॉन्ड पॉलिटिक्स, बियॉन्ड पार्टी लाइंस, उनकी जिंदगी बेहतर हो, बिजली की समस्या हल हो। कई लोग 370 के बारे में ये कहते हैं कि नहीं आएगा, कई लोग चाहते हैं कि वापस आए। तो एक क्रॉस ओपिनियन है, और वही जो है ब्यूटी है एक डेमोक्रेसी की। वीडियो जर्नलिस्ट तारिक लोन के साथ मीर फरीद, शांगस अनंतनाग, आज तक।